हे गाइस, गुड मॉर्निंग, ना पेरे दिवांशु अंदर की नमस्कार। अंत तो दोस्तों अभी बज रहे सुबह के 11:30 इस वक्त, और अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि घर के लिए कुछ सामान खरीदना है, और मम्मी जो है वहाँ लिस्ट बना रही है सामान का, क्या क्या लेके आना है मुझे इस वक्त। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। फिर दोस्तों सबसे पहले ना मैं लिस्ट देख लेता हूँ, उसके अनुसार ही जो है ना मैं परचेज करने जाऊंगा सामान। दोस्तों लिस्ट के अनुसार सबसे पहले जो सामान लेना है वो है 1 किलो प्याज। अरे चलते 1 किलो प्याज लेके आते हैं। अरे रे 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 रे, अरे ब्लैक ब्यूटी साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, साइड हट जाओ, साइड हट जाओ। ये प्याज कैसे लगे? 1 किलो। अच्छा अच्छा दाग दाग वाला नहीं है ना? गोभी कैसे लगाया? और ये कैसे लगा? ये 30 रुपए। शिमला मिर्च और कैसे? शिमला मिर्च 15 रुपए। 15 रुपए पाव। और तो दोस्तों सेकंड लिस्ट के अनुसार अब हम लेने जा रहे हैं 1/2 किलो रहर दाल और उड़द दाल और काबुली चना, तीनों को 1/2 किलो लेना है। तो चलो पहले इसके लिए राशन स्टोर चलना पड़ेगा, तो चलिए दोस्तों चलते फिर। तो दोस्तों इस वक्त मैं आया हूँ सेक्टर 6A मार्केट में, और जैसे कि आप मेरे आसपास का नज़ारा देख सकते हो ड्यूरिंग लॉकडाउन में किस तरह का हाल है। फिलहाल दोस्तों अभी शॉप में बहुत गिने चुने लोग नजर आ रहे हैं जैसे कि आप देख सकते हो। बोलो। दाल चाहिए था, रहर दाल और उड़द दाल और काबुली चना, सब 1/2 किलो। दोस्तों अभी राशन स्टोर से भी मैंने परचेज कर लिया तीनों चीज, तो चलो दोस्तों अभी घर चलते हैं। दोस्तों कल से भी ज्यादा तेज धूप आज है, तो कितना तेज धूप हो रहा है, कल जैसा ही सेम हाल है आज भी। फाइनली दोस्तों मार्केट का सारा काम फिनिश हो गया है, और अभी मैं बिल्डिंग में पहुंच गया। चलो फिर आप लोगों से मैं घर में मिलता हूं। ओके, तो इस वक्त मैं हूं अभी घर पे, और काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी के दौरान तो दोस्तों 1 गिलास मटके का पानी मिल जाए तो बात ही कुछ और है। मम्मी 1 गिलास पानी देना मटके का। काफ़ी ज़्यादा गर्मी है दोस्तों, उमस भी इतना हो रहा है ना। थैंक यू। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों आप ही लोगों में से किसी एक सब्सक्राइबर ने मुझसे पूछा था कि मयंक कहाँ है मैसेज के द्वारा, तो ये रहा मयंक। तो दोस्तों अभी मयंक से पूछते इतने दिन से मेरे व्लॉग में क्यों नहीं आ रहा था, मयंक बता। अभी ठीक है तेरा तबीयत? तो दोस्तों अभी ये ठीक है, जहाँ तक है अभी ज़्यादा दूर नहीं जाता, अभी जो है अपन छत से ही खेलते रहते हैं। अभी तो फिलहाल ये ठीक है क्योंकि ये ज़्यादा दौड़ता भागता नहीं। दोस्तों इसको ना थकावट के कारण थोड़ा सा वीकनेस लग रहा है। आजा भाई, आजा आजा, तुम भी आजा हमारे व्लॉग में। कहाँ थे, क्या कर रहे थे? अभी रिलैक्स रिलैक्स के लिए। क्या सब्जेक्ट पढ़ रहा था? मैं संस्कृत। तो 9th में था, हिंदी और संस्कृत को जब चुनना था तो उसका वो चुना नहीं है। अच्छा तुम लोग इस बार चेंज हुआ ना पैटर्न? अच्छा हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। कैसा ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है? नोट्स मिला है बनाने के लिए? इस तरह का भी जो स्थिति चल रहा है, लोग जो है सिम्टम्स में आ रहे हैं, लोग को हमेशा मास्क पहनना चाहिए, घर से बाहर करना है, अवॉइड करना चाहिए, और जरूरी काम से निकलना चाहिए। हाँ, जब जरूरत हो तब दोस्तों काम से निकलिए। और मैं कुछ कहोगे इस बारे में? कुछ नहीं कहना। मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर लगाते रहना चाहिए हर आधे घंटे में। हाँ, और बाहर जाना कम करना। तो दोस्तों आप जो है ना इस प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन को बनाए रखिए, और चीजों को जो है फॉलो करते रहना। ओके, तो दोस्तों अभी बज गया 5:30 इस वक्त, और मैं नीचे जा रहा हूँ पार्क की तरफ। आप लोगों को डायरेक्ट मैं पार्क में मिलूंगा, और क्यों जा रहा हूँ उसी दौरान मैं बताऊंगा। इस वक्त मैं आया हूँ सेक्टर 6 जुगली पार्क में, और यही एक ऐसा पार्क है जो ड्यूरिंग लॉकडाउन में ओपन है सिर्फ,
दोस्तों अब बात करते हैं मेन टॉपिक में, और वो टॉपिक ये है कि दोस्तों मेरे एक फ्रेंड ने मुझे एक वीडियो शेयर किया और वीडियो बहुत ही ज़्यादा दुख भरा था मैंने जब देखा, और मुझे लगा कि आप लोगों तक वो वीडियो को शेयर करना चाहिए, तो आप प्लीज़ एंड तक देखिएगा। ने देखा कि किस तरह एक कोरोना पेशेंट को इलेक्ट्रिक गैस के थ्रू जलाया जा रहा है, और ये काफी ज्यादा दुख भरा था। तो मेरी बस यही एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग सब घर में रहिए, सेफ रहिए, और बराबर सैनिटाइजर से हाथ धोते रहे, मास्क वेयर करे, डिस्टेंस मेंटेन करे, और प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशन का फॉलो करे ड्यूरिंग लॉकडाउन में। तो आज के इस ब्लॉग पे बस इतना ही। दिस इज देवांशु साइनिंग ऑफ। आप लोगों को मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग पे। सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।